हेलो डी स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू आवर यूट्यूब चैनल अपना अकेडमी। डी स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। उस प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल में आपने फाइव स्टेप को स्टडी किया था, और फाइव स्टेप में सबसे पहले हमारा इंजेशन, सेकेंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन एंड फिफ्थ इजेशन। इन सारी चीज़ों को हमने आपसे डिस्कशन किया था, क्लियर। तो आज टुडे योर टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा, क्लियर। आई विल डिस्कस टू यू अमीबा। सबसे पहले हम आपको अमीबा के बारे में स्लाइटली डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे कि व्हाट इज अमीबा, क्लियर। फिर हम अमीबा को न्यूट्रिशन किस प्रकार से वो करता है उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम अमीबा के बारे में। यहाँ पर जो हमारा अमीबा है, अमीबा स्पेशली अमीबा के यहाँ थोड़ा सा हम फिगर आपको ड्रा करके बताते हैं व्हाट इज अमीबा। अमीबा जो होता हमारा स्पेशली ये यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक एनिमल होता है। कैसा होता है ये? यूनिसेलुलर और माइक्रोस्कोपिक एनिमल होता है, क्लियर। दूसरी कंडीशन, दे आर यूजुअली फाउंड इन वाटर बॉडीज। ये स्पेशली जो हमारा वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड, रिवर, लेक एंड स्लो मोशन फ्लोइंग वाटर, जो आपका धीरे धीरे बहते हुए जो जल होते हैं उनकी आपकी क्या होती है, उनके आपका ये तली में आपका स्पेशली जो होते प्रेजेंट होते हैं। तो अमीबा में स्पेशली यहां देखेंगे जो हमारा अमीबा होता है, इस अमीबा में यूनिसेलुलर एनिमल, माइक्रोस्कोपिक एनिमल, दे आर फाउंड इन यूजुअली वाटर बॉडी लाइक पॉन्ड, लेक, रिवर, स्लो मोशन फ्लो वाटर, क्लियर। जो आपका इस तरह का होता है उनमें स्पेशली जो होते हैं ये इन स्थानों पर प्रेजेंट होते हैं। जो हमारा ये अमीबा होता है, इस अमीबा में स्पेशली यहाँ पर एक लार्ज न्यूक्लियस होते हैं, और न्यूक्लियस के साथ साथ यहाँ पर कंटक्टाइल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। कंटक्टाइल वैक्यूल्स, ये कंटक्टाइल जो वैक्यूल्स होते हैं इनकी बॉडी में वाटर को रेगुलेट करने का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, क्लियर। इन अमीबा कंटेन फूड वैक्यूल। अमीबा में क्या होता है, फूड वैक्यूल्स पाए जाते हैं, साथ साथ इसमें क्या होते हैं, वाटर ग्लोब्यूल्स भी आपके प्रेजेंट होते हैं, और स्पेशली इसमें आपका साइटोप्लाज्म जो होता है ये प्रेजेंट होता है। अब हम अमीबा को स्पेशली बताना चाह रहे हैं, आपका इसमें डिस्कशन करना चाह रहे हैं कि अमीबा जो होता है ये स्पेशली जो होते हैं कि ये फाइलम प्रोटोजोआ का एनिमल है, और इसको सबसे पहले 1755 में रोजेन हाफ नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया। जो हमारा अमीबा ये फाइलम प्रोटोजोआ का एनिमल होता है, और इसकी डिस्कवरी 1755 में रोजर हाफ नामक साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया। स्पेशली हमारा अमीबा होता है, ये अमीबा में स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं, स्यूडोपोडिया, फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, फूड वैक्यूल्स, क्लियर। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसमें, वाटर ग्लोब्यूल्स पाए जाते हैं, स्पेशली वाटर ग्लोब्यूल्स, कंट्रक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, कंट्रक्टाइल वैक्यूल्स। अराउंड कंट्रक्टाइल वैक्यूल्स माइटोकांड्रिया आर प्रेजेंट, माइटोकांड्रिया एंड गाल्गी बॉडी आर, गाल्गी बॉडी आर आल्सो प्रेजेंट, आर आल्सो प्रेजेंट,
क्लियर, ये हमारा अमीबा है। तो आप देखेंगे स्पेशली इसमें होता क्या है, अमीबा का शेप और साइज होता है ये इरेगुलर होता है। दैट मीन्स द शेप साइज ऑफ अमीबा आर इरेगुलर, उसका कोई फिक्स साइज नहीं होता है। अब ये इरेगुलर क्यों होता है, बिकॉज स्यूडोपोडिया अपियर एंड डिसअपियर अल्टरनेट। जो स्यूडोपोडिया होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं आपका, डिसअपियर और अपियर होते जाते हैं। अब यहां कंडीशन क्या होती है कि डिसअपियर और आपका अपियर होने की वजह से इनका जो शेप और साइज होता है हमेशा क्या होता है, चेंज हो जाता है। अमीबा में उनकी शेप और साइज हमेशा क्या होता है, चेंजेस किस लिए होते हैं, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, या आप कैसे, ड्यू टू डिसअपियर एंड अपियर ऑफ स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया के अपियर और डिसअपियर होने की वजह से इनमें क्या होते हैं आपका, इनके साइज में, सॉरी, इनका जो शेप और साइज होता है उनमें क्या होते हैं आपका, ये परिवर्तन होता रहता है, चेंजेस हो रहे रहते हैं। अब आगे चलते हैं इसमें स्पेशली कि जो हमारा ये परिवर्तन क्यों करता रहता है, स्यूडोपोडिया हमेशा अपियर और डिसअपियर क्यों होते रहते हैं, इसका भी आपका रीजन है। सबसे पहले कि इसके अपियर और डिसअपियर होने के कारण सबसे पहला कारण क्या होता है, मूवमेंट, मूवमेंट, ठीक ना, सर्च ऑफ फूड, सॉरी, कैच द फूड एंड सर्च द बेटर शेल्टर। ये तीन कंडीशनों में ये जो हमारे स्यूडोपोडिया होते हैं इनका आपका क्या होता है, ये डिसअपियर और अपियर होते रहते हैं। जब ये मूवमेंट करेंगे, लोकोमोशन होगा इनमें, वन प्लेस टू अनदर प्लेस ये आपका मूव करेंगे, तो इनका स्यूडोपोडिया हमेशा चेंज होता रहता है। कभी बनेगा, फिर खत्म होगा, फिर बनेगा, फिर आपका अपियर होगा, फिर आपका डिसअपियर हो जाता है, इस प्रकार से आपका ये बनता रहता है। लेकिन यहां जो साइटोप्लाज्म है इसमें, ये हमारा साइटोप्लाज्म, व्हेन द साइटोप्लाज्म मूव आउटवर्ड, जब इनका साइटोप्लाज्म क्या होता है, आउटवर्ड मूव करता है, देन द स्यूडोपोडिया आर अपियर। आप इसमें कह सकते हैं व्हेन द साइटोप्लाज्म आर मूव आउटवर्ड देन द स्यूडोपोडिया आर अपियर, एंड व्हेन द साइटोप्लाज्म मूव इनवर्ड देन द आपका स्यूडोपोडिया डिसअपियर। क्लियर, कि जब इनमें स्यूडोपोडिया क्या, जब इनमें आपका साइटोप्लाज्म मूव करता है बाहर की ओर, या बाहर की ओर पुश करता है, तो स्यूडोपोडिया आपका अपियर हो जाते हैं, और जब इनका साइटोप्लाज्म इनवर्ड की ओर पुश करता है तो आपका स्यूडोपोडिया डिसअपियर हो जाते हैं। इतनी बातें क्लियर। अब आगे चलते हैं इसमें, ये फूड वैक्यूल्स, ये फूड वैक्यूल जो होते हैं स्पेशली फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो होता है, ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल रेगुलेट द वाटर इन बॉडी ऑफ अमीबा। अमीबा की बॉडी में ये क्या करता है, वाटर को रेगुलेट करने का काम करता है। अराउंड द कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स माइटोकांड्रिया आर प्रेजेंट विच गिव द एनर्जी। जो हमारे माइटोकांड्रिया होते हैं ये इस अमीबा को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। क्लियर, तो देखिए इसमें स्पेशली इसको भी आपका क्या होता है, जो हमारा अमीबा की लाइफ स्पान होती है 2 days, स्पेशली कितना दिन होती है आपकी, 2 days इसकी लाइफ स्पान होती है, लाइफ स्पान ओनली 2 days, 2 days, 2 दिन तक ही जिंदा होता है, उसके बाद फिर डाई कर जाता है। आफ्टर सम, आप इसमें आप देखेंगे एक बात और खास तौर से कि हमारा ये अमीबा होता है ये आपका जल्दी आपका डाई नहीं करता है। क्यों, क्योंकि अगर इस अमीबा को हम कितने भी आपका स्थानों से कट कर दें, मेनी प्लेसेस अगर इसको हम कट करते हैं, देख रहे हैं इस तरह से काटते हैं इसको, तो ईच सेपरेट पार्ट इज डेवलप न्यू अमीबा। इसका प्रत्येक पार्ट होता है ये आपको डेवलप करके न्यू अमीबा का फॉर्मेशन कर जाता है ड्यू टू रीजनरेशन प्रोसेस।
रीजनरेशन प्रोसेस के द्वारा। लेकिन आपका जब इसको हम कट करते हैं तो उस कट वाले पार्ट में इस न्यूक्लियस का इन्वॉल्व होना मस्ट होता है। अगर न्यूक्लियस वहां पर प्रेजेंट नहीं होता है तो इनमें क्या होता है, आपका डेवलपमेंट वाला प्रोसेस नहीं होगा, रीजनरेशन प्रोसेस नहीं होता है। इट इज इसलिए क्या होता है, इसको हम इमोर्सल कहते हैं, अर्थात इसे हम अमरता का वरदान प्राप्त कहते हैं, अर्थात जल्दी मरता नहीं, अमर हो जाता है। तो इसमें इस प्रकार का प्रोसेस आपका चलता है, क्लियर। तो ये थोड़ी सी बातें हमने इसमें डिस्क्राइब किया। अमीबा को एक बार फिर रिव्यू देते हैं कि अमीबा इज ए यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक एनिमल विच आर फाउंड वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड्स वाटर स्लो मोशन फ्लो वाटर, क्लियर। उन सब स्थानों पर ये प्रेजेंट होते हैं। स्पेशली जो हमारा ये होता है आपका अमीबा, अमीबा का जो शेप होता है ये इरेगुलर होता है बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया के आपका लाइक और स्यूडोपोडिया के अपियर और डिसअपियर होने की वजह से इनका शेप क्या होता है, आपका फिक्स नहीं होता है, क्लियर। और साथ साथ क्या होते हैं आपका ये स्यूडोपोडिया का आपका डिसअपियरिंग और अपियरिंग प्रोसेस जो होता है, ये मूवमेंट कैच ऑफ फूड सर्च ऑफ बेटर सर्च द बेटर शेल्टर, इन तीनों प्रोसेस में आपका होता है। मूवमेंट के लिए वो आपका वन प्लेस टू अदर प्लेस आपका मूव करेगा तो इनके स्यूडोपोडिया आपका अपियर और डिसअपियर होते हैं। और उस अपियर और डिसअपियर हमने अभी आपको बताया कि साइटोप्लाज्म पुश आउटवर्ड देन द स्यूडोपोडिया आर अपियर एंड साइटोप्लाज्म पुश इनवर्ड देन द स्यूडोपोडिया आर डिसअपियर, क्लियर। यहां साथ साथ जो कैच करता है फूड को तो उस कैचिंग फूड में क्या होते हैं आपके स्यूडोपोडिया जो होता है, ये स्यूडोपोडिया क्या करता है उस फूड को चारों तरफ से कैच करता है, क्लियर। तो हो गया इसमें। और साथ साथ इनमें आपका लार्ज न्यूक्लियस, फूड वैक्यूल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, वाटर ग्लोब्यूल्स, साइटोप्लाज्म, ये जितने भी आपके होते हैं सब प्रेजेंट होते हैं। लाइफ स्पाइन का 2 डेज के लिए होता है। फाइलम प्रोटोजोआ का एनिमल होता है ये, और इसको रोजन हाफ नामक साइंटिस्ट ने 1755 में डिस्कवर किया। ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है आपके अमीबा के बारे में, ठीक है। नाउ आई विल डिस्कस टू यू न्यूट्रिशन इन अमीबा, क्लियर। स्पेशली जो हमारा ये अमीबा होता है, इस अमीबा में हम यहां पर डिस्कशन करते हैं। देखिए जो हमारा ये अमीबा में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है, कैसे ये फूड को कैच करता है, कैसे ये फूड को अपनी बॉडी में इनसाइड करता है, इन्हीं सब के बारे में हमें स्पेशली इसमें डिस्कशन करना है, क्लियर। तो अमीबा में स्पेशली क्या होता है आपका, इसको हम यहां पर डिस्कस करते हैं कि ये फूड को किस प्रकार से आपका कैच करता है, कैसे इसको कैचिंग की प्रोसेस चलती है, और ये फूड को लेने के कौन कौन से इसमें आपका स्टेप हैं, क्लियर। तो स्पेशली आप देखिए इसमें, यहां पर हम वी कैन से अमीबा इज यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक एनिमल। यहां पर हम एक मेंशन करते हैं पहले, अमीबा इज अ यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक एनिमल, क्लियर। अमीबा इज ए यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स। ये हमारा जो अमीबा होता है स्पेशली ये कैसा होता है आपका, माइक्रोस्कोपिक होता है और यूनिसेलुलर एनिमल होता है। दूसरी बात इसमें हम मेंशन करते हैं, अमीबा फीड्स टीनी प्लांट वारार टीनी एनिमल्स, क्लियर। ये आपका स्पेशली जो होते हैं टीनी प्लांट और टीनी एनिमल पर अपना फीडिंग करते हैं, ठीक ना, एज फूड, ये फूड के रूप में इसको फीडिंग करते हैं। तीसरी बातें, दीज फूड आर फ्लोएट, इनका जो फूड होता है ये फ्लोएट करता है कहां पर, इन वाटर इन विच लीव्स, ये वाटर में फ्लो करता है। और जो हमारा फूड होता है वो कैसा होता है, लिप्स होता है, जिंदा होता है। तो इसमें हम तीसरी बातें आपका मेंशन करते हैं कि दीज फूड फ्लोएट्स इन वाटर विच इज लिप्स।
जो इनका फूड होता है ये वाटर में आपका फ्लोट करता है, जो आपके भैया क्या होते हैं स्पेशली आपके जीवित होते हैं, ठीक ना। अब इसमें स्पेशली हम ये कह सकते हैं कि इन अमीबा होलोजोइक न्यूट्रिशन आरकर, अमीबा में जो आपका न्यूट्रिशन कैसा होता है आपका होलोजोइक, यहां आप लिख सकते हैं इन अमीबा होलोजोइक न्यूट्रिशन आर अकर, क्लियर। होलोजोइक न्यूट्रिशन आर अकर, स्पेशली कि होलोजोइक न्यूट्रिशन होता क्या है एक बार हम फिर इसको डिफाइन कर देते हैं कि दोज टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म इनटेक द फूड सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म। जो हमारे ये एनिमल ऑर्गेनिज्म होते हैं ये क्या करते हैं फूड को सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में क्या करते हैं आपका इंटेक करते हैं इनसाइड द बॉडी एंड यूटिलाइजेस, और उसे क्या करते हैं आपका यूटिलाइज करते हैं। तो जो हमारा ये होलोजोइक में स्पेशली जो सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म में आपका फूड होता है ये आपका स्पेशली कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स, क्लियर। कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स में स्पेशली क्या क्या मिल सकता है, ये कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, क्लियर, प्रोटीन्स एक्सेट्रा, क्लियर। ये सभी लोग किस में आएंगे कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स में स्पेशली। अब यहां पर देखते हैं क्या होता है, अगली बातें हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा ये अमीबा होता है अमीबा में फूड को ऑब्टेन करने का जो टेंडेंसी होती है जो उनका प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को नाम देते हैं आपका हम फैगोसाइटोसिस। तो हम मेंशन करते हैं कि द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द फूड बाय अमीबा इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। यहां पर आप देखिए द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द फूड बाय अमीबा इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस ओर आर पिनोसाइटोसिस, क्लियर। इन्हें हम फैगोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस कह सकते हैं। यहां पर एक बात है और कंफर्म करेंगे, फैगोसाइटोसिस मींस क्या होता है, फैगोसाइटोसिस मींस सेल फीडिंग, क्लियर। ये आपका फैगोसाइटोसिस मींस होता है सेल फीडिंग करना, क्लियर। तो यहां पर एक बात है हम फिर से रिव्यू करते हैं, अमीबा यूनिसेल्यूलर एंड माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, यू नो अमीबा फीड्स टीनी प्लांट्स एंड टीनी एनिमल एज फूड। ये आपका टीनी प्लांट्स और टीनी एनिमल्स पर फूड के रूप में फीडिंग करता है। दीज फूड फ्लोएट्स आर स्विम कह सकते हैं इन वाटर विच लिव्स, जो आपका जीवित होते हैं ये वाटर में आपका तैरते हैं उन्हीं को एक कैच करता है पकड़ता है। इन अमीबा होलोजोइक न्यूट्रिशन आ रखकर, और अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है, हमने आपको बताया कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में सॉलिड और लिक्विड फूड को ये अपनी बॉडी में इंटेक करते हैं और उसे यूटिलाइज करते हैं। और इसमें जो सॉलिड और लिक्विड आपका फूड होता है इसमें कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स में आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा आते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द फूड बाई अमीबा, कर अमीबा के द्वारा फूड के ऑब्टेनिंग प्रोसेस को हम नाम देते हैं फैगोसाइटोसिस, या इन्हें हम नाम देते हैं आपका पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मींस होता है सेल फीडिंग, क्लियर। अब इसमें स्पेशली हम एक बातें और यहां पर बताते हैं कि जो हमारा ये अमीबा होता है स्पेशली अमीबा में न्यूट्रिशन के लगभग आपका 5 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, या कह सकते हैं आपका वेरियस प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन अमीबा, क्लियर। अटेंशन प्लीज, इसमें आप देखिए वेरियस स्टेप्स आर इन्वॉल्व, यहां पर लाइन मेंशन करते हैं द वेरियस स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड
जो हमारा वेरियस स्टेप होता है इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा, इन द न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन जो प्रोसेस होता है इसमें वेरियस स्टेप जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं, वो वेरियस स्टेप कौन से को यहां पर आप देखेंगे, इंजेशन, सेकंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन एंड फिफ्थ इजेशन। क्लियर, जितने भी आप किए इंजेशन डाइजेशन एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन इंजेशन आर कंप्लीटेड इन ओनली वन सेल, जो आपका ऑल प्रोसेस है ऑल द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन आर परफॉर्म, या आप हम लाइन मेंशन कर देते हैं कि ऑल द प्रोसेस आर परफॉर्म्ड इन सिंगल सेल ऑफ अमीबा। क्लियर, ये अमीबा के जितने भी आपके इंजेशन डाइजेशन एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन और इजेशन प्रोसेस होते हैं ये स्पेशली इनके ओनली वन सेल में आपका परफॉर्म होते हैं, अर्थात इसी सेल में ये सारे प्रोसेस कंप्लीटेड होते हैं। तो अब इन सारे प्रोसेस को हमें देखने के लिए हम सबसे पहले फिगर को ड्रा करेंगे, और स्पेशली जो हमारा फिगर होता है जितना ही फाइन रहेगा उतना ही मार्क्स आपको अच्छा उठेगा। तो स्पेशली यहां पर हम डिस्कस करते हैं, और यहां पर उसको डिस्कशन करने से पहले न्यूट्रिशन अमीबा को हम यहां पर फिगर को अप्लाई करते हैं। तो अटेंशन प्लीज इन दिस फिगर।